हमीरपुर जिले की राठ विधानसभा लोधी बहुल क्षेत्र है। विधानसभा चुनाव में लोधी वोट यहाँ निर्णायक भूमिका निभाता है। पड़ोसी जनपद महोबा की चरखारी विधानसभा से सपा से अजेंद्र राजपूत को पहले सपा से प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन बाद में टिकट काटे जाने से राठ विधानसभा के ब्रह्मानंद महाविद्यालय में लोधी समाज की एक बड़ी सभा हुई, जिसमें टिकट काटे जाने का जमकर विरोध किया गया। हालत ये हो गई है कि अब लोधी समाज पूरे बुंदेलखंड में ही सपा के विरोध में वोटिंग करने के लिए लामबंद हो गया है। विधानसभा 231 से अजय सिंह राजपूत जी कनकुआ, उनका टिकट क्लियर किया था समाजवादी पार्टी ने, और जैसे ही लास्ट मोमेंट पर टिकट वापस ले लिया, इस वजह से पूरा जन समुदाय यहाँ पर आया धरना प्रदर्शन के लिए कि उनका सम्मान सहित टिकट वापस किया जाए समाजवादी पार्टी से। नहीं तो पूरा संपूर्ण समाज है, जो यहाँ का जो लोधी समाज है वो इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। वो किसी भी पार्टी में जाए, यहाँ हम उनको हराने का काम करेंगे। राट विधानसभा जो 9 विधानसभा में तो टोटल हरा देंगे समाजवादी पार्टी को बुंदेलखंड से। यहाँ पर हम लोग सभी इकट्ठे इसलिए हुए हैं, जो हमारे लोधी समाज से आते हैं अजय सिंह राजपूत जी, उनका टिकट कटा है समाजवादी पार्टी ने, टाइम पर टिकट काट दिया है। ये बहुत ही गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। इसमें पूरी लोधी समाज का अपमान है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अपना जो हमारा सम्मान है खोया हुआ उसको वापसी लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। दर्शन इस बात पर लेकर हो रहा स्वामी जी के चरणों में कि हमारे अजेंद्र भैया को 231 विधानसभा चरखारी में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। 22 तारीख को अजेंद्र भैया को टिकट मिला और 31 तारीख को टिकट वापस कर लिया गया, जबकि नाम पर्चा भरने की एक ही तारीख थी। इस साजिश के तहत टिकट काटा गया कि ना तो कहीं किसी पार्टी में वो जा पाए और ना ही वो चुनाव लड़ पाए। तो हमारी मांग इस बात की है कि बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीटों में 19 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें 9-10 विधानसभा राजपूत बाहुल हैं, उसमें हम लोग अगर अजेंद्र भैया का सम्मान सहित टिकट वापस माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं किया तो हम 19 विधानसभा में राजपूत समाज के लोग समाजवादी को हराने का काम करेंगे। हराएंगे नहीं, बल्कि कोशिश ये करेंगे दूसरा नंबर भी ना आए समाजवादी का, तीसरे नंबर पर पहुंचाने का काम हमारे लोग, हमारी बिरादरी के लोग और अन्य बिरादरी के लोग भी हमारे साथ हैं जी। हम लोगों की मांगे हैं केवल कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनके द्वारा पहले चरखाई विधानसभा में अजय सिंह राजपूत को टिकट दे दिया गया था। इसके बाद इन्होंने अजय सिंह राजपूत जी ने नामांकन भी कर दिया, नामांकन के बाद अपना प्रचार भी चालू कर दिया था, और इसके बाद इन्होंने 30 तारीख को टिकट काट दिया, जिससे कि 31 तारीख को टिकट काट दिया रात को 10 बजे। इस वजह से पूरी समाज में और क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रोष है और समाजवादी पार्टी के प्रति इतनी ज़्यादा रोष है कि इसी का विरोध हम लोग प्रकट कर रहे हैं, और अजय सिंह राजपूत जी के लिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग करते हैं कि उनको दोबारा टिकट दिया जाए। हमीरपुर जिले की राठ विधानसभा के ब्रह्मानंद समाधि स्थल पर लोधी समाज के इन सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर सरकारी विधानसभा में लोधी अजेंद्र राजपूत का सपा द्वारा टिकट काटे जाने के कारण जमकर विरोध किया। लोधी समाज के लोगों का कहना है कि अगर सरकारी विधानसभा में दोबारा राजेंद्र राजपूत को सपा द्वारा टिकट नहीं दिया जाता तो वो पूरे बुंदेलखंड में सपा का पुरजोर विरोध करेंगे। जाहिर है लोधी बहुल क्षेत्र में लोधी समाज द्वारा इस तरह सपा का विरोध पार्टी के लिए बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में पार्टी को चाहिए कि मौके की नजाकत को समझे और कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे उसे नुकसान न होने पाए। अस्तित्व न्यूज के लिए हमीरपुर से काजल कश्यप की रिपोर्ट।